हाय गाइस, मेरी हालत देखने वाली हो रही है। अच्छा खैर, सो मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट करते हैं और आई कैन नेवर डू दिस इन द फर्स्ट डे। लेट्स डू दिस अगेन। हाय गाइस, अच्छा सो मैंने सोचा कि आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं। आज लेट्स रीच आउट टू माय मेकअप कलेक्शन बिहाइंड मी एंड टेक आउट माय मोस्ट फेवरेट गो टू हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स और उनसे मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। ज़रा बाल बाल खोलें ताकि इंसान की बच्ची लगूं एंड लेट्स हेड ओवर टू दिस सेक्शन। सो इधर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं आई मोस्टली रीच आउट टू देम द मोस्ट। सो जो यूजली मेकअप यूज़ करती हूँ इट्स ऑल ओवर हियर। सो ये निकाला मैंने अपना फेवरेट प्राइमर। दिस इज द फेस ऑयल, ये टार्ट का मराकूजा ऑयल है। एंड देन वी गोइंग टू टेक आउट द नार्स की फेमस फाउंडेशन दैट वी ऑल नो दैट आई लव। उसके अलावा आई थिंक ब्राउज को हम इसी से काम चला लेंगे बिकॉज दिस इज लिटरली द ड्यूप फॉर एनास्टासियाज ब्राउ डिप ब्राउ पोमेड। या तो इसी से काम चलाएंगे। उसके अलावा कंसीलर के लिए हम निकाल रहे हैं नार्स का कंसीलर। यू कैन सी हाउ डिफरेंट द शेड्स आर। या बाकी इधर अभी कुछ ईदी जमा हुई थी बिकॉज ईद थी। सो या लेट्स ओपन दिस एंड टेक आउट माय कॉन्टूर किट। दिस वन इज फ्रॉम एनास्टासिया बेवरली हिल्स और यस प्रॉपरली हाई एंड प्रॉपरली माय फेवरेट। ब्लश ऑन के लिए आई गेस कि मैं ये वाला टार्ट का ब्लश ऑन यूज़ करूँगी। ऑल दो मेरा फेवरेट टू फेस का पापा डोंट पीच भी है लेकिन लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। आई एम गोइंग टू कीप दिस हियर विद द कलेक्शन ऑफ द मेकअप दैट आई एम टेकिंग आउट। स्टिकिंग टू द औकात बिकॉज बहुत गर्मी है एंड सो मैंने बाल वापस बांध लिए। अब हम जा रहे हैं मेरे यस आई शैडो ड्रॉअर के अंदर। सॉरी दैट दिस इज सो नॉइजी, दादी के टाइम का है सो फॉरगिव मी फॉर दैट। दिस वन तो हम ये वाला मेकअप पैलेट यूज करेंगे। नाउ फॉर द मस्कारा हम निकालेंगे मेरा फेवरेट टू फेस्ड का बेटर देन सेक्स मस्कारा और आईलाइनर के लिए व्हाट्स बेटर देन द टैटू आईलाइनर। इसका फुल साइज वाला पता नहीं कहाँ गया यार। सारी फेवरेट लिपस्टिक्स तो मेरी इसी बॉक्स में पड़ी हुई है सो वी विल टेक सम आउट। बाय द वे दीज आर ऑल माय फेवरेट लिपस्टिक्स और इनमें से ज़्यादातर न्यूड है। न्यूड गर्ल अस्तगफार। तो आई थिंक हमने निकाल ली है ये वाली लिपस्टिक्स। एक है हुदा ब्यूटी की, एक है स्टिला की और एक है बेका कॉस्मेटिक्स की। सो वी हैव दीज थ्री लिपस्टिक्स। बाकी सारी विल गो इनसाइड एंड वी आर गोना स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। तो अब जब सब कुछ इतना हाई एंड निकाल लिया तो इतना लोकल दिखना डजंट मेक एनी सेंस। सो लेट मी मीट यू इन द नेक्स्ट ट्रांजिशन। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ वेरी हाई मेंटेनेंस एवरीडे मेकअप लुक व्हिच डजंट इवन मेक सेंस बिकॉज इट्स सो हाई मेंटेनेंस इट कांट बी फॉर एवरीडे बट लेट्स ट्राई एंड डू इट। अच्छा तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द टार्ट maracuja oil. Sounds fancy just by the name of it, right? And it's even matching, how cute. But yes, maracuja oil because we're so bougie right now, aren't we? So I'm just gonna take some of this and apply this to my skin. So the thing is ke is wale oil ko use karne se I've never had acne or any sort of acne type of symptoms. मैंने इसके reviews भी पढ़े थे और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर यही comment किया हुआ था कि oily skin वालों को भी कोई एक्नी प्रॉब्लम्स नहीं हुई इससे। सो व्हाट्स बेटर देन दैट। फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग द नार्स ऑल डे ल्यूमिनस वेटलेस फाउंडेशन। सॉरी नाम थोड़ा लंबा था एंड दिस इज इन द शेड पंजाब। सो द थिंग इज कि मैं मेकअप गुरु होने के नाते टेस्ट आउट जरूर कर लेती हूँ बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट लेकिन मुझे बहुत डर लगता है बिकॉज द थिंग इज कि जब से मैंने अपनी स्किन के साथ वो सारा सीन हुआ है मेरी स्किन के साथ आई एम श्योर दैट यू ऑल नो अब जाके बेहतर हुई है थोड़ी। आई रियलाइज कि बहुत सारा ऐसा मेकअप होता है दैट इज नॉट मेंट फॉर योर स्किन और वो लैब टेस्टेड नहीं होता लेकिन हम इसलिए खरीद लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी अफोर्डेबल ऑन द पॉकेट और हमें होता है कि लाइक लेट्स जस्ट गेट दैट। लेकिन आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दिस आफ्टर एक्सपीरियंस कि अपने स्किन के लिए हमेशा एक्सपेंसिव
प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करें, मतलब कि हाई क्वालिटी, चलो एक्सपेंसिव नहीं बट हाई क्वालिटी. ओ माई गॉड, ये मेरा समर शेड था और अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हूँ, सो आई एम लिटरली सो चिट्टी कि दिस हैज टर्न्ड काला ऑन मी. लेट्स स्टिल ट्राई. ओ भाई, दिस इज लिटरली येलो ऑन मी. इतनी आसानी से अप्लाई होती है एंड इट्स जस्ट सो गुड. कभी मुझे इससे ब्रेकआउट्स नहीं हुए, कभी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. I've never felt like I even have foundation on. It's that smooth and nice to glide on. Can you see the difference between my face and my neck? I think Surya Namaskar zyada jaake karna padega ab mujhe. I just realized ki maine primer to lagaya hi nahi. Concealer ke liye hum le rahe hain NARS ka Radiant Creamy Concealer. Yehi naam hai na iska? Yes, I was right. So we're taking this concealer. This is my favorite concealer. Bahut lightweight hai and iski coverage bhi achhi khasi hai. सो हम अपनी फाउंडेशन का एक्चुअली कलर इससे बेहतर कर लेंगे बिकॉज हम सारे हाइलाइटिंग एरियाज को लाइट कर लेंगे. सो दिस विल वर्क बेटर. वाओ, टेढ़ी ना करें बेटर. Use the Anastasia Beverly Hills ka contour palette and go in with this banana shade and apply it under my eyes to set this area. Oh my god, the perfect finish that this gives. Now we're getting in with the eye part of this tutorial. So pehle maine kaha tha ki hum Zoosh ka eyebrow pomade use kar lete hain, then we'll eyebrow pomade use kar lete hain, lekin we want to keep this strictly bougie, so I tried to look for an eyebrow product and I found this Too Faced brow quickie. Aur maine kaha aaj hum isse kaam chalayenge. Although this is just going to fill them in ever so slightly and brush them, but it's okay, we don't need to be all out all the time, do we? अल्लाह के करम से, बाबा की वजह से, आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर ऑन माई एंटायर फेस. सो मैं ये नहीं कह सकती कि कैन यू सी व्हाट अ डिफरेंस दैट आईब्रो थिंगी मेड, बिकॉज पहले नहीं थे और अब देखो कितने ज्यादा हैं. सो या थैंक्स बाबा फॉर ऑल द हेयर ऑन माई फेस. आई शुड हैव जस्ट बीन अ बॉय, बट मैं मेकअप कैसे करती, बहुत फंसती भाई. टाइम फॉर द आई शेडोज. दिस हैज टू बी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पैलेट टिल डेट, द जैकलिन हिल पैलेट. ऑल दो इतना बुरा वक्त चल रहा है बेचारी का, कोई तो उसका कोई प्रोडक्ट अप्रिशिएट कर दे, यू नो. आई मीन 100 रुपये की मेडोरा की लिपस्टिक भी उसके $18 की लिपस्टिक से बेहतर है, और 5 साल बाद भी उनका वो हाल नहीं होता जो उसकी 5 साल पुरानी लिपस्टिक्स का हो गया. सो दैट्स सैड, बट लेट्स गो ऑन विद आवर मेकअप. नो थ्रोइंग शेड, ओके? नो थ्रोइंग शेड. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड राइट हियर, क्योंकि हम एक बहुत नेचुरल टाइप लुक के लिए जा रहे हैं. Now I will just slightly darken the corners a little bit. So I'm going to use this dark brown shade. Honestly speaking, if you're looking for one palette that does the job aur uske andar wo sare colors ho aur bahut amazing quality ke ho, I would suggest you to actually invest in this palette, kyunki it is one of the best palettes that I've ever had. Uske andar wo sare colors that you need, all of them. And the quality of these eyeshadows is just amazing. You can literally create any look with it that you want. Now for the eyeliner, I am using the Kat Von D Tattoo Eyeliner, and this is known to be the best eyeliner out there, like the best. We're done with the eyeliner. Now I'm going to go into my most favorite mascara. Ye hai Too Faced ka Better Than Sex mascara. Just kidding. This is my favorite mascara क्योंकि इसका result सच में बहुत amazing है. That is one thing for a fact. लेकिन I won't say कि there's no dupe of this or a mascara better than this or equal to this in the affordable market. I mean Essence के mascaras are amazing. So yeah, but यार नहीं, but पता है this mascara is actually amazing. Looks like I have falsies on, literally. हाइलाइटर हम यूज़ कर रहे हैं ओफ्रा का ग्लो अप हाइलाइटर.
क्योंकि आई थिंक मैंने अपना अनस्तासिया वाला इतनी दफ़ा वीडियोज में दिखा दिया लाइक इट्स माई फेवरेट कि लेट्स गिव अनदर प्रोडक्ट अ ट्राई. सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट माय इनर कॉर्नर. नाउ आई एम गोइंग टू गो टू अ पार्ट. जस्ट किडिंग, आई एम एक्चुअली गोइंग टू अप्लाई द ब्लश ऑन व्हिच कम्स इन दिस लाइक दैट. आई मीन हाउ बूशी कैन दिस बी. आई एम गोइंग टू मिक्स दिस एंड दिस कलर. प्रॉब्ली सम ऑफ दिस क्योंकि एक शिमरी सा कलर लग रहा है. Oh, I'm just gonna take all of them. And I'm going to apply it on my cheeks. Oh. So pretty! Oh my god. Let's actually take both kam. Like for real. Like asal maine mein kam. नॉट जो मैं अपने चैनल पे करती रही हूँ आज तक वाला काम. एंड अप्लाई हल्का सा. दीज आर लिटरली द बेस्ट कूल टोन शेड्स दैट कैन मैच हमारे टाइप की स्किन टोन्स क्योंकि हमारी येलो अंडर टोन होती है. दीज आर द बेस्ट, मतलब लिजिट द बेस्ट. लिटिल बिट ऑफ इट हियर. दैट्स इट. बाकी मैं लगाऊंगी अपनी डबल ट्रिपल ट्रिपल चिन पे बिकॉज दैट्स वेयर इट नीड्स इट द मोस्ट. कैन यू सी हाउ इट लुक्स लाइक आई हैव अ जॉ लाइन. ऑल्दो इट्स जस्ट ऑप्टिकल इल्यूजन बट आई हैव अ जॉ लाइन नाउ बिकॉज दिस एंटायर लुक इज वेरी प्रिटी एंड ड्यूई विद ब्राउन आईज और ब्लैक आई लाइनर. वो बेसिक यू नो बहुत प्रॉपर वाला मेकअप लुक है. सो वी आर गोना गो विद समथिंग डिफरेंट ऑन माई लिप्स दिस टाइम विच इज ग्लॉस. यस, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं तो यू नो, नहीं करते तो पहले करें प्लीज. ओके, तो यू माइट नो कि मैं अपने लिप्स पर ग्लॉस नहीं लगाती. सो टूडे वी आर गोना गो विद अ लिटिल शाइनी समथिंग. सो सबसे पहले आई एम टेकिंग द हुदा ब्यूटी की ट्रेंड सेटर लिपस्टिक टू अप्लाई दिस ऑन टू माई लिप्स. तो ये काफी डार्क कलर है. सो डरिए. ओह माई गॉड, इट जस्ट मेल्टेड ऑन माई पजामा. ओह माई गॉड, दिस कॉस्ट्स अ. तो ये इंतहाए गर्मी की कि मेरी हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक जो थी वो लिटरली मेल्ट होने लग गई थी. विच आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम लिपस्टिक बट आई थिंक आई हैव बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस. एंड जस्ट इमेजिन कि मैं इस मौसम में अभी बगैर एसी के ये शूट कर रही हूँ बिकॉज मेरा एसी ख़राब हो चुका है एंड आई प्रॉब्ली नीड अ न्यू वन. माई दादी इज प्रॉब्ली नॉट गोना बाय मी वन. नो, शी विल इट्स जस्ट गोना टेक सम टाइम. And this is what it looks like. Don't be scared, we're gonna simmer it down a little. Although, personally, I think this looks really hot. Lekin, we will still simmer it down a little bit. Next, I'm taking this Stila ki lipstick, jiska shade hai Caramello. I'm gonna apply this exactly in the center of my lips. This is a very nude color, like foundation level nude. Can you look at the beautiful color that it's turned into? See, I told you we're gonna fix it. These come out very less vessel. And now we're done with this look. So I hope that you really enjoyed this video, and if you did, don't forget to give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and do not forget to follow me on Instagram because yeah, you'll get to see a lot more of my harkatein over there. So do follow me over there as well.